हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज सेबी से लिया है। यानी कि सेबी के अकाउंट में जो सहारा सुब्रत राय के पैसे पड़े हुए थे, जो उन्होंने सेबी के अकाउंट में जमा किए थे, उनमें से 5,000 करोड़ रुपए सहारा निवेशकों के लिए सहकारिता मंत्रालय के द्वारा निवेशकों को दिए जाने का एक बड़ा आदेश दिया गया है। और इस आदेश में केवल 5,000 करोड़ रुपया ही निवेशकों को दिया जाएगा। और अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 करोड़ निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यहाँ पर सहारा सोसाइटी और अन्य चिटफंड कंपनियों में सहारा की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनमें फंसे हुए हैं। और यहाँ पर केवल 5,000 करोड़ रुपया, पाँच हज़ार करोड़ रुपया ही निवेशकों के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा बांटा जाएगा, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए, वो अपडेट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दैनिक भास्कर की ताज़ा अपडेट है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्ट्री न्यूज़ टीवी। सहारे से जुड़ी हर एक वो लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे पास आती है। तो जो इस वक्त जो दोस्तों हमारे पास दैनिक भास्कर की लेटेस्ट अपडेट आई है, वो सूरत हाल दिखा रही है कि किस तरीके से सहारा के निवेशक परेशान है, सहारे की सोसाइटी के निवेशक परेशान है। कहने को सहकारिता मंत्रालय से प्रोसीजर चालू है, लेकिन फिर भी यहाँ पर धरने प्रदर्शन और ज्ञापन विज्ञापनों का दौर चालू है। बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर।